बोलो मैं तेरी महल में क्या कर रही हूँ? हम वही जो तुम करने आए हो, नौकरी? हाँ। तो मैं समझा तुम तो बहुत बड़ी नकलची निकली, इसलिए मेरे पीछे 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 जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आ जा रही हूँ। सबसे पहले देखा देखी तुम काली चोरनी बन गई, फिर देखा देखी तुम खदान में नौकरी करने आ गई, और अब देखा देखी तुम महल में भी नौकरी करने आ गई। तो बड़ी नकलची बंदरिया निकली। हमें नकलची बंदरिया मत बोलो तुम। देखो नकली, मेरे पास तो काम करने की वजह है, लेकिन तुम्हारी क्या कहानी? कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि जो तुम दिखती हो नहीं, और जो हो वो दिखती नहीं। तुम्हें क्या लगता है कौन है? कैसे बताऊं कौन हो तुम? तुमने खुद से मिलवाया नहीं। ये लिबास किसका है? तुमने तो सिलवाया नहीं। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? नचड़ी, देखो मैं तुम्हें ना एक चीज समझाता हूँ, बैठो। अरे इधर कहाँ, यहाँ बैठो। नचड़ी, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि देखो लोगों की ना आदत हो जाती है, और वही आदत उनकी मजबूरी बन जाती है, और तुम्हारी आदत है चोरी करना, इसलिए तुमने देखो शहजादी का लिबास चुरा लिया। नचड़ी, अब तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। नचड़ी, तुम्हें महल में नौकरी मिल गई है, अब ना इतनी मेहनत करो कि मेरी शहजादी यास्मीन तुम्हें अपने उतरवे कपड़े तोहफे में दे। खुद चोरो और हम ही सिखा रहे हो। तुम ना मेरा बाद में शुक्रिया करना, आओ अभी। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए। आज नौकरी का पहला दिन, आज देर नहीं कर सकते। नहीं सकता कि तुम्हारे इस यकीन के लिए मैं तुम्हारा कितना शुक्रगुजार हूं। शायद तुम्हारे इसी यकीन ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। और मैं कसम खाता हूं रुखसार, मैं तुम्हारे यकीन को कभी हारने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें अपना चेहरा उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन मैं इस दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप यहीं कहीं हैं? गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। जिसे गद्दारी करनी थी वो तो करके भाग गया और इस मनहूस को छोड़ गया। इस मनहूस तस्वीर को जला देना चाहिए। जला
जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। आज रुखसार की इस हालत को देखकर मेरे अंदर की आग फिर से भड़क उठी है, और ये आग तभी बुझेगी जब मैं दुनिया के सामने ये सबूत रख दूंगा कि मैं गद्दार नहीं हूं, जब मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बादशाह शाहनवाज की साजिश का शिकार हुआ था। बादशाह शाहनवाज, मैं अपनी रुखसार के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारे मजबूत किले की दीवारें चाहे कितनी भी बुलंद क्यों न हो, ओमार को अंदर आने से नहीं रोक पाएंगी। आ रहा हूं मैं। इस शाही रसोई में तुम सबका इस्तकबाल है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिस तरह मैं खदान में तुम्हारा निगरान था, ठीक उसी तरह मैं यहां भी तुम्हारा निगरान हूं। मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, समझे? अच्छा, गुलगुले, यहां भी इस गुलगुले की अकड़ गई नहीं। कोई बात नहीं, अभी से मजा चखाता हूं। मजदूरों, इस रसोई में तुम सब मेरे नौकर हो। आते पाते दही चटाके जादू वाले जय पटाखे हैं। गुल्लू की अकड़ निकल जाए, ये गधा प्याज पे गिर जाए। अरे हुजूर, आप क्या देख रहे हैं? गिरिए गिरिए। अरे देखो तो, हमारे निगरान को क्या हुआ? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ भाई, ताली नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे निगरान साहब है। तुमने मेरे हुस्न का जलवा देखा है, लेकिन अब तुम गुलबदन के गुस्से का कहर देखोगे। अच्छा, मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा, आज फैसला हो जाए, दम लगा के। हमें नहीं रुकना होगा, ये लोग भी ना। अरे गुल्लू, क्या कर रहे हो तुम? गुल्लू, तुम्हें चाचा-चाची कसम है, अरे तुम्हें चाचा-चाची कसम है, लड़ना बंद करो। नहीं भाई, मेरे भाई, आज इस कद्दू को नहीं छोड़ूंगा। शेख जरूर, देखिए आप तो समझदार है ना, इसीलिए मैं इसे समझदारी की दवा दवा खिलाना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए। खामोश। क्या तमाशा मचा रखा है? हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, लेकिन ओमार, बहुत जल्द एक एक दीवार को गिरा देगा। ये बगदाद का शाही बावर्ची खाना है, कोई मछली बाजार नहीं।
ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो बावर्ची खाने को बावर्ची खाना बनाती है? नमक, तेल और लकड़ी। सलीका, कायदा और तमीज। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तरीका, फायदा और कमीज। तुम दोनों हमारी नजर में आ गए हो। याद रहे, हम पहली गलती पर नसीहत देते हैं मगर दूसरी गलती पर सजा। ये तूफान कौन है? हमें नुसरत आपा कहते हैं। हमें शाही बावर्ची खाने के सरपरस्त हैं। तुम जैसे कच्चे चावलों को पकाना जिम्मेदारी है हमारी। तुझे कह रही है? कायदे से रहोगे तो धीमी आंच पर पकोगे और अगर गलती की तो आग तेज हो जाएगी। हाँ, लेकिन पकोगे जरूर। सलीका, कायदा और तमीज, ये तीन लफ्ज नहीं, तीन उसूल हैं। इन तीनों उसूलों को भूलना नहीं। और तुम खा खा के भूलना मत। हमने कहा था पहली गलती पर नसीहत देते हैं और दूसरी गलती पर सजा। बादशाह तो अपने कमरे में नहीं है। दोनों प्याज काटोगे? प्याज? लेकिन आपा, मुझसे तो वक्त भी मुश्किल से कटता, प्याज कैसे काटूंगा? कोई बात नहीं, हम प्याज भी काट लेंगे। 5 बोरी प्याज काटोगे? 5 बोरे? इसीलिए मम्मी कहती हैं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपा, मैं सजा काटने को तैयार हूँ, लेकिन प्याज मत कटवाइए। वो क्या है ना, ये आज से मैंने अपने अब्बू की मैयत के लिए बचा कर रखे हैं। 6 बोरी? नहीं नहीं आपा, मम्मी पापा। 7 बोरी? तुम भी। आज इस बावर्ची खाने के लिए बहुत खास दिन है। बादशाह सलामत ने खदानों से तेल निकलने की खुशी में जश्न का ऐलान किया है। उस जश्न में शामिल होने और तेल का सौदा करने के लिए बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े लोग आएंगे। उन सब मेहमानों की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने अब्बू का सच जान पाऊंगा।
तुम दोनों सब्जियां काटोगे, तुम दोनों मिठाइयों पर वर्क चढ़ाने का काम करोगे। तुम दोनों पर बर्तनों की जिम्मेदारी रहेगी। हमारे हिसाब से यहां चार लोग होने चाहिए। मगर हैं पांच। तुम चुप क्यों रहे हो? सामने आओ और चेहरा दिखाओ अपना। हमने कहा सामने आओ। सामने आओ ना। इसे माफ कर दीजिए, अब ये ना मेरे साथ खदान में काम करती थी और ना बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की है। हाँ। ये खदान में काम कर रही थी? खदान में काम करती थी? अरे क्या खूब काम करती थी। हमने तुमसे इसकी तारीफ करने के लिए नहीं कहा, इसीलिए चुपचाप खड़े रहो। और तुम हमारे साथ आओ, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आपकी अम्मी के साथ बड़े हुए हैं हम। उनके निकाह के वक्त उनके साथ बगदाद आ गए, आपको पाला पोसा बड़ा किया, इसीलिए कि आपको बावर्ची खाने में मामूली लोगों के साथ मामूली लोगों की तरह काम करते देखें। वो आपा, हम। वो लड़का कौन है? कब से जानती हैं आप उसे? कौन लड़का? वहां कोई लड़का था? नहीं, हमने गौर नहीं फरमाया था। बचपन से आपके दिल की वो बात भी पढ़ लेते हैं हम, जो आप खुद भी नहीं जानती। कब से चल रहा है ये सिलसिला? सिलसिला? आपा, कोई सिलसिला नहीं चल रहा है। हम तो खदान जाते थे वो काम का मुआयना करने के लिए, आम लड़की बनके। तभी शेख जिनों से मुलाकात हुई और वो दूसरे वाले से। नाम? अलादीन। नाम तो सुना होगा? हमारा मतलब है वो जो लड़का है ना, वो उसका नाम अलादीन है। वैसे आपा, लड़का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, नेक है, ईमानदार है और बहादुर भी है। और आप जानती हैं आपा, खदान में भी तेल उसने ही ढूंढा था, उसे कितने लोगों की जान बचाई है आपा। मामूली लोग कितने भी काम के हों,
शहजादियों के करीब नहीं आया करते। वो लड़का आपके करीब आ चुका है, उसे दूर जाना होगा। हम उसे नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। पापा नहीं, पापा, पापा नहीं, पापा, खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिए। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो ये भी नहीं जानता कि हम कौन हैं। मगर आप तो जानते हैं कि आप कौन हैं। आपकी उम्र में अक्सर दिल गलत सलाह देता है, इसीलिए इस उम्र में दिल की नहीं बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। आपको सुल्ताना बनना है, सियासत में आगे बढ़ना हो तो मोहब्बत में पीछे हटना होगा। मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है और कुछ नहीं। आपको गलत फहमी हो रही है, अलादीन और मैं सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। जो कोई रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। आग और तेल जितना दूर रहे उतना बेहतर। अगर आप चाहती हैं कि उस लड़के की नौकरी सलामत रहे तो आपको उससे मिलना छोड़ना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.